मैं चलता हूं, मां के कमरे में चलकर उसका कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा बुढ़िया को। जबकि उस मां ने मेरी परवरिश की है, सदा बेटे से बनकर मुझे माना और जाना। लेकिन दोस्तों, जब बात दौलत की आती है तो अपनी सटक जाती है, सारे रिश्ते भूल जाता हूं मैं, पहले मां के कमरे में चलता हूं। ए बुआ, मां सो रही है, सो रहे आवाज के बाद तू पूरी जिंदगी सोती ही रहेगी। पांच लेता हूं बेटा, हूं तेरा, माफ कर देना मुझे मां। ये सो रही है कि बोल रही है यार? तेरी माँ सदा सदा के लिए चली बेटा। सदा सदा के लिए चली गई? तो अपनी माँ को मारना चाहता है? मारने आओ उसे। तेरी माँ पहले से ही मर गई बेटा। तुम आखिर हो कौन है? मैं तुम्हारी शैतानी माँ की आत्मा बोल रही हूँ। तुम्हारे सतारे भाग्य बेलाल, तेरे जान का खतरा है यार। मुझको अनाप शराब सुनाई दे रहा है, मुझको ज्यादा चढ़ गई है शराब। बेटा तू यहाँ से भाग जाने, तेरे जान का खतरा है। ये तेरी माँ की ममता तुझसे करे, मैं चाह रही हूँ बेटा, मुझे भगवान बुला रहे हैं। यार ये मतलब मर चुकी है बुढ़िया, तभी तो लोगों ने कहा है बड़ों ने कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत क्यों बनाई गई, स्वर्ग बैकुंठ क्यों है माँ के पाँव के नीचे। एक बेटे से माँ इतना प्यार करती है कि मरने के बाद भी कह रही उसकी आत्मा बेटा भाग जा वरना फंस जाएगा। और मैं एक बेटा माँ की ममता को नहीं समझ पाया, दौलत की लालच में इसे काटने चला आया। गलत है, बिल्कुल गलत। अब अपनी मां को नहीं मारूंगा, मारना कैंसिल। अब मैं इसे उठाकर बात करता हूं, मुझको जो भी सुनाई दे रहा है इससे मतलब नहीं है। मां, ए मां, देख कंस आ जाए, तेरा बेटा, मेरा बेटा है तेरा। मां नहीं उठती है, मैं उठा के बात करता हूं, मैं हमारी बात करता हूं।
मार डाला था उसे, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। मेरी बात पर तुम भरोसा कर सकते हो? तेरे ऊपर भरोसा करूं मैं? हाँ, तू मुझे कानून बताने चला है? मुझे कानून बताएगा मैं? सर साहब, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैंने अपनी माँ का फोन नहीं किया है। हम उसमें अंदर से अंदर चलाते चले जा रहे हैं। गलत कर रहे हो उसमें कर तुम शराबी साले है? तू मुझे कानून बता रहा है बे? तुम शराब के नशे में तूने अपनी माँ का खून कर दिया। ये कैसा बेटा है? भिखारे ऐसे बेटे पर बात पर गौर करो। आने से पहले ही मैं मर चुकी थी। मेरे हाथ में हथकड़ी मत पहनाओ, मैं एक अच्छा आदमी हूं। अरे बाबू जी, बाबू जी, ये मेरा बाप है, आप इससे पूछ सकते हैं। बोलो, मैं बात कर रहा हूं। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है साहब। अच्छा, तूने ही कंट्रोल रूम फोन किया था? हाँ साहब, मैंने किया था। ये कौन है? ये साहब हमारी धर्म पत्नी है साहब। और ये मेरा बेटा है। एक बात ये बता, कोई बेटा अपनी माँ का खून क्यों करेगा? साहब तू शराबी है, जुआरी है, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके अपनी माँ गहरी है। सौतेली माँ इसकी है साहब, दूसरी अरम मेरी है साहब। ये इसके गले में फांसी का पर्दा लगा कर उसे जान से मार दिया साहब। जगन्नाथ, तुम हमारे बाप हो या दुश्मन? तुमने अपनी आंखों से देखा कि मैंने अपनी माँ का? अबे मैंने देखा ना होता तो कहता कल से। इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है, झूठ बोला है। मैंने अपनी माँ का तो खून नहीं किया, हराम किया है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
देख रहा हूं मैं। सटर तुम मेरे औकात नहीं जानते हो, बहुत बड़ी औकात है मेरी। एक शराबी की क्या औकात होती है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जानते हो, इसे गिरफ्तार करो। ये सलाम मोहब्बत नहीं दुश्मन है हराम खोर, मुझको बता रहा कि मैंने अपनी माँ को मार डाला। इधर तुमने मारा है, इधर साले हैं, मौके पर साला धोखा देता है। लेकिन साले के चक्कर में, शराबी के चक्कर में हम हूँ पिलाई जी। आप क्या साले कम सर, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आराम से बात करोगे, तुमको हथकड़ा लगाना बस क्या होगा। ये हथकड़ा लगा कर क्या करोगे? हथकड़ा साले की हथकड़ी, हथकड़ा तुमको हम लोग अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल ले जाओगे, क्या करोगे? अस्पताल में तुम्हारा चीर फाड़ होगा, ऑपरेशन करना है इसका। ऐसे तरह काहे मार दियो, फिर से हो जाएगा। ऐसे मैं तेरी जवानी पर तरस खाता हूँ। वो तू क्या करेगा? मैं पंचराज नाम है मेरा, तुम्हारी जल लूटी का साला चल। मैं इज्जत नहीं लूट, ये तुम्हारा चमचा है? चमचा नहीं ये, हाँ चौकीदार हूँ। चौकीदार है, याद रखो चौकीदार और स्वेटर तुम में। मैं अरबपति आदमी हूँ, अरबपति आदमी हूँ। पैसे में बड़ी ताकत होगी, तेरी वर्दी खड़ी खड़ी उतरवा लूंगा। तेरी औकात नहीं है कि तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना कर सके। मैं देख लूंगा स्वेटर, क्या देखता है मैं कल। पहले तो इसे देखूंगा साले, मैं बात तो नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा इसे। साहब हमारा नाम संतोष कुमार है और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। आप जिनके हाथों में हथकड़ी लगाकर ले जा रहे हैं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ साहब। क्या जानना चाहते हैं? पूछता गलती कर दिए जो अब इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल ले जा रहे हैं। तो जानना चाहता है कि तेरे भाई ने क्या गुनाह किया है? हाँ साहब, मैं यही जिस वजह से हम तेरे भाई के हाथ में हथकड़ी डालकर इसे थाने ले जा रहे हैं, जेल ले जा रहे हैं, तो सुन मेरी बात। बोलिए साहब। अबे शराबी के साला,
शराबी कंफर्ज हो जाओ जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का इसने कत्ल कर दिया। नहीं सच है और इस कत्ल का तस्वीर गवाह बेटा कोई और नहीं बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ साहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो पूछ अपने बाप से। बाबू जी ये साहब क्या कह रहे हैं बाबू जी? हमारे भैया ने हमारी माँ का खून कर दिया। मैं हाथ जोड़ की विनती करता हूँ बाबू जी, सच्चाई क्या है आप हमसे साफ साफ बताइए, क्या सच में हमारे भैया ने हमारी माँ का खून किया है? बताओ संतोष कुमार। बोलिए बाबूजी। मैंने अपनी आंखों से इसे देखा कि इनके गले में फांसी का फंदा लगा कर इसे जहाज से बाहर डाला बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा बेटा। बंद करो जगन्नाथ जय हिंद। या आइए देखो अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या करूं साहब, जो घटना घटनी थी वो घटना घट चुकी है। देखो चाचा जी देखिए, हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जिसकी पत्नी बीच अधर में छोड़कर इस दुनिया को चली जाए उस पति के दिल के ऊपर क्या गुजरती है। पहाड़ टूट चौप साले तू बीच में बोलता क्यों है बे? सच नहीं कह रहा है। देखिए हम तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी की इस वक्त हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को तुम्हारे पास सुपुर्द कर देंगे। ओके किसी बात की रो नहीं चाचा जी, क्या करोगे? समझा जो आया है हो जाएगा। भैया रोइए मत, आपकी औरत मर गई है। चला तो विधवा पिल्सन लगवाए दे। ए साले क्यों बे, वो कोई औरत है जो विधवा पेंशन लगवाएगा? मेहरारू मर गया विधवा नहीं है। अबे साले वृद्धा पेंशन मिलेगी नहीं तो मेहरारू मर गया विधवा नहीं है। चुप, एक काम कर लाश का पंचनामा भरो, सील मार करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब हम बहुत कमजोर है, अकेले उठाए ना पाओ, कोई गाड़ी अब लदवाए दे। हाँ ठीक है हाथ लगवा देंगे, थोड़ा हाथ लगवाओ तुम लोग। साहब ठीक है, चलो भैया। रो नहीं संतोष कुमार,